नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हरिओम स्टडी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास दो, प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 में पहला प्रश्न हम लोग को देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड यक्स प्लस वन है। तो सबसे पहले ये जो है यक्स प्लस वन, इसको इस यक्स का मान निकालेंगे बराबर के जीरो करके, और यक्स का मान जब निकल जाएगा तो हम जहाँ जहाँ यक्स दिया है वहाँ वहाँ यक्स का मान रख देंगे। तो जब यक्स का मान रख देंगे तो हमारा अगर शेषफल हमारा जीरो आ जाए तो बहुपद का ये बहुपद का इसका गुणनखंड है। अगर शेषफल जीरो नहीं आएगा तो बहुपद का यानी इसका गुणनखंड ये नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले ये है, तो यक्स प्लस वन बराबर जीरो लिख देंगे। यक्स ये बराबर के इधर है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, जीरो माइनस वन, तो यक्स माइनस बराबर माइनस वन। ठीक है गाइस, यहाँ पे माइनस वन हो गया, यक्स का मान हमारा आ गया है माइनस का वन। ठीक है, यक्स का मान माइनस वन आ गया है। अब हम लिख लेते हैं इस बहुपद को, यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन। ठीक है गाइस, वन हो गया। उसके बाद जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ हम यक्स का मान माइनस वन रख लेंगे। ठीक है, तो माइनस वन ब्रैकेट में कर देते हैं, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, प्लस यहाँ पे स्क्वायर, यक्स का स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे, प्लस वन है, अरे सॉरी यक्स है तो यक्स का मान माइनस वन है तो माइनस वन लिख देंगे, प्लस का वन है वन लिख देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे बंद है, यहाँ पे इस तरह। ठीक है, उसके बाद माइनस वन का क्यूब माइनस वन होगा। अगर माइनस वन का स्क्वायर होता तो हमारा वन स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस वन का स्क्वायर हमारा प्लस का प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में वन कर देते हैं, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट टूट गया, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस, तो ये हमारा हो गया माइनस, और यहाँ पे ये प्लस का वन है तो वन लिख देंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे माइनस का वन है, ये प्लस का वन है, यहाँ पे माइनस का वन है, यहाँ पे प्लस का वन है। ठीक है, अब इसके बाद ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस से प्लस कट गया, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, यानी हमारा बच गया, कितना बच गया, जीरो। शेषफल हमारा कितना आया है, जीरो। तो जब शेषफल हमारा जीरो आ गया तो ये इस बहुपद का गुणनखंड है। तो लिखेंगे यक्स प्लस वन बहुपद का गुणनखंड खंड है। ओके गाइस, बहुपद का गुणनखंड है। इसी तरह हम लोग ने पहला प्रश्न का प्रथम कर लिया, अब सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड है यक्स का घात चार प्लस यक्स की घात क्यू प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन। तो यहाँ पर दिया है यक्स प्लस वन, इस जैसे पहले प्रश्न को सॉल्व किए हैं, यक्स का मान निकाल करके इन सब में यक्स का मान रख दिए हैं, उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे शेष फल प्रमेय, शेषफल प्रमेय द्वारा। ओके गाइस, शेषफल प्रमेय द्वारा, तो लिख देंगे यक्स प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है, यक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये बराबर के इधर है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी इस तरफ, तो यक्स बराबर माइनस का वन, हमारा यक्स का मान आ गया माइनस का वन, ये पहले में भी आया था और इसमें भी है। तो इस ये जो बहुपद दिया है इसमें यक्स का मान रखेंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल ज्ञात करके हम लोग पता करेंगे कि ये गुणनखंड है, ये जो दिया है ये बहुपद का गुणनखंड, इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं,
यक्स की घाते 4 प्लस यक्स की घाते क्यूब प्लस यक्स की घाते स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है। उसके बाद जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ माइनस 1 रख देंगे, यहाँ पे 4 हो गया प्लस का माइनस 1, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे प्लस माइनस का 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1, यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है गाइस, यहाँ पे प्लस का 1 है। उसके बाद यहाँ पे माइनस 1 का की घाते 4 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 प्लस इसका क्यूब है तो ये माइनस में ही रहेगा। ओके, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ये प्लस, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस 1 प्लस का 1 लास्ट में, ठीक है। 1 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का 1। ओके गाइस, अब इसको देखते हैं किससे कौन कट रहा है। तो यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक दूसरे से कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया, ठीक है। अब हमारा बच गया लास्ट में प्लस का 1, ये हमारा शेषफल आ गया। शेषफल हमारा क्या आ गया है, 1, शेषफल हमारा 1 आया है। तो जब हमने पहले ही बताया कि जब बहुपद का शेषफल 1 आ जाए तो ये संख्या इसका गुणनखंड नहीं है, तो लिखेंगे यक्स प्लस 1 बहुपद का गुणन खंड नहीं है। ओके गाइस, गुणन खंड नहीं है, ये जो है इस बहुपद का गुणन खंड नहीं है जो दिया है, ये यहाँ पे यक्स प्लस 1 इस बहुपद का गुणन खंड नहीं है। और हम लोग दो प्रश्न, पहले प्रश्न का 2 कर लिए हैं, अब चलते हैं तीसरे तरफ, देखते हैं तीसरा क्या है। तो गाइस यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, यक्स की घाते 4 प्लस 3 यक्स की घाते 3 प्लस 3 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है यक्स प्लस 1, इसको बराबर करके यहाँ पे बराबर में 0 लिखेंगे और उसके बाद यक्स का मान ज्ञात करेंगे, और यक्स का मान ज्ञात करके जहाँ जहाँ यक्स दिया है वहाँ वहाँ यक्स का मान रखेंगे और हम शेषफल ज्ञात करेंगे। अगर शेषफल हमारा गाइस 0 आ गया तो ये बहुपद इसका गुणनखंड है। अगर बहुपद ये अगर ये शेषफल सॉरी शेषफल अगर 0 ना आए तो ये इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं गुणनखंड है या नहीं है। तो हमारा दिया था कि यक्स प्लस 1, इसको बराबर में 0 कर लेंगे यक्स का मान ज्ञात करने के लिए, ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस 1 हो जाएगा, यक्स बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 1, यक्स बराबर हमारा आगे आएगा इस माइनस का 1, ठीक है, यक्स बराबर माइनस का 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, अभी यक्स बराबर माइनस 1 आ गया है तो माइनस 1 इन सब यक्स के या स्थान पर रख लेते हैं। तो माइनस 1 सब स्थान के सब यक्स के स्थान पर रखेंगे, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यक्स की घाते 4, ये इधर का है, यक्स की घाते 4 प्लस 3 यक्स की घाते 3 प्लस 3 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस का 1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ हम लोग लिख लेंगे माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस का 1 की घाते क्या लिख देंगे 4, और यहाँ पे 3 प्लस का 3 है तो इसी तरह रहेगा, जहाँ यक्स है वहाँ माइनस का 1 रखेंगे, क्यूब है यहाँ पे प्लस 3, इसको ब्रैकेट में माइनस का 1 स्क्वायर प्लस का माइनस 1 प्लस का 1, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इस माइनस 1 की घाते 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस का 1 प्लस यहाँ पे इस तरह रहेगा, यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब होता है हमारा माइनस 1, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे 3 है, माइनस 1 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 1 प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे भी प्लस का 1 है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी
यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमारा हो जाएगा माइनस का वन। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा माइनस का हो जाएगा, एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे माइनस का वन हो गया। उसके बाद हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, यहाँ पे वन है प्लस का, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का हमारा हो जाएगा कितना, थ्री। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमारा प्लस का कितना होगा, थ्री। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसको इसी तरह उतार लो। ठीक है, ठीक है, अब उतर गया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस, प्लस का वन और माइनस का वन कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल हो गया, और उसके बाद माइनस का थ्री प्लस का थ्री एक दूसरे से कट गया, हमारा बच गया गाइस वन। तो जब वन बच गया है तो शेषफल हमारा वन आ गया। तो आप लोग को मैंने शुरू में ही बताया था, अगर शेषफल वन आए तो हमारा शेषफल वन आ जाए तो जो बहुपद दिया है, ये बहुपद जो है ये इस संख्या का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हमारा लिखेंगे x प्लस वन बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है गाइस, गुणनखंड नहीं है, ये जो x प्लस वन दिया है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए, हम लोग पहले प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो गाइस, दूसरे प्रश्न को हमने लिख लिया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हमको बताना है कि जो gx दिया है ये px का गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड हम लोग कैसे साबित करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो gx प्लस वन दिया है इसके बराबर में जीरो करके और यक्स का मान ज्ञात करेंगे, फिर जो जिस तरह पहले प्रश्न को किए हैं उसी तरह इसको भी करेंगे। तो यक्स प्लस वन बराबर जीरो लिखेंगे, उसके बाद जो यक्स का मान आ जाएगा तो यक्स के स्थान पर रख करके शेषफल अगर जीरो आ जाए तो हम बताएंगे कि ये गुणनखंड प्रमेय लागू करने के बाद ये जो gx है ये px का गुणनखंड है। अगर शेषफल जीरो न आए तो gx px का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है गाइस, ये इतना समझ रहे हैं, पहले प्रश्न में हम लोगों ने बहुत आसानी से समझा कर किया है मैंने। उसके बाद ये प्लस का इधर है, इधर जाएगा बराबर की इस तरफ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का बराबर माइनस का वन। ये हमारा x बराबर माइनस का वन आ गया। अब x बराबर माइनस का वन जो आया है इसको हम लोग यहाँ x है, यहाँ x है, ये x इस स्थान पे रखेंगे। अगर हमारा x के स्थान पर रखेंगे अगर जीरो आ जाएगा शेषफल, तो ये gx px का गुणनखंड हो जाएगा, यानी शेषफल हमको जीरो लाना है। तो देखते हैं शेषफल जीरो आएगा या नहीं। 2x³ - 2x - 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, x के स्थान पे माइनस का वन का क्यूब लिखेंगे, प्लस यहाँ पे x है तो -1² - 2 ब्रैकेट में -1 -1। ठीक है, यहाँ पे x था तो -1 रख दिए x का मान। अब 2 यहाँ पे x का -1³ - 1 प्लस यहाँ पे -1² 1 होगा, यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे माइनस हुआ है और यहाँ पे भी माइनस है, तो जब दोनों माइनस है तो लिख देंगे माइनस का 2, 1 1 जा 1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे
माइनस का टू है तो माइनस का टू, यहाँ पे माइनस का वन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का टू वन जा टू, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमारा प्लस का क्या हो जाएगा वन, यहाँ पे माइनस है तो माइनस टू लिख देंगे, यहाँ पे माइनस वन है। तो अब देखते हैं कौन किस से कैंसिल होता है, तो माइनस माइनस दो और यहाँ पे भी माइनस दो है तो ये नहीं कटेगा, यहाँ पे प्लस का वन है, यहाँ पे प्लस माइनस का वन है, तो एक दूसरे से ये क्या हो गया कट गया। तो यहाँ पे जब माइनस का टू दिया, यहाँ पे भी माइनस का टू दिया है, तो हमारा माइनस का क्या आ गया आंसर चार। तो जब माइनस चार का चार आंसर आएगा तो ये माइनस जब चार आ जाएगा तो इस बहुपद का यक्स प्लस वन ये गुणनखंड प्रमेय लागू करने के बाद ये शेषफल जीरो नहीं आया है तो हमारा इसका गुणनखंड नहीं है, पी जी यक्स का गुणनखंड पी यक्स नहीं है। तो यही पूछ रहा है कि है या नहीं है, तो इसमें हमने बताया कि जी यक्स पी यक्स का गुणनखंड नहीं है। तो ये जो माइनस चार हमारा शेषफल आया है ये इस बहुपद का यक्स प्लस वन यानी जी यक्स पी यक्स का गुणनखंड नहीं है। तो पहला प्रश्न दूसरे का पहला हम लोग ने कर लिया, अब दूसरे का दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरे का दूसरा दिया है पी यक्स बराबर यक्स क्यूब प्लस थ्री यक्स स्क्वायर प्लस थ्री यक्स प्लस वन और जी यक्स दिया है यक्स प्लस टू। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यक्स प्लस टू बराबर, यहाँ पे जीरो कर देंगे, उसके बाद ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस का दो, ये हमारा आ गया किसका यक्स का मान माइनस दो आ गया। ठीक है गाइस, यक्स का मान माइनस दो आ गया है, यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं यक्स का क्यूब प्लस थ्री यक्स स्क्वायर प्लस माइन घाते दो प्लस यहाँ पे तीन यक्स प्लस एक। ठीक है, अब यक्स का मान माइनस दो जो आ गया है, जहां जहां यक्स है वहां वहां माइनस दो रखेंगे, तो चलिए रखते हैं माइनस दो का क्यूब प्लस थ्री, यहाँ पे एक ब्रैकेट में माइनस दो का स्क्वायर प्लस थ्री ब्रैकेट में माइनस का दो प्लस का वन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे माइनस का आठ हो जाएगा और यहाँ पे प्लस थ्री माइनस दो का स्क्वायर प्लस का दो हो जाएगा, सॉरी प्लस का चार हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का हमारा हो जाएगा तीन दुना के छः, प्लस है यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस हो जाएगा तीन दुना के छः, यहाँ पे प्लस का वन। ओके, तो अब इसके बाद यहाँ पे माइनस आठ प्लस थ्री ब्रैकेट में यहाँ पे ये चार है माइनस छः प्लस एक, तो माइनस आठ प्लस यहाँ पे चार तेई बारह माइनस यहाँ पे ये छः हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का वन। ठीक है गाइस, यहाँ पे प्लस का वन था तो प्लस का वन हमने लिख लिया है। उसके बाद तो यहाँ पे माइनस का आठ है, यहाँ पे प्लस माइनस का छः है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का हमारा कितना हो जाएगा चौदह, और यहाँ पे प्लस लगा देंगे प्लस का बारह और प्लस का एक हमारा कितना हो जाएगा प्लस का तेरह। तो जब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो तेरह में चौदह में से तेरह घटाएंगे हमारा कितना हो जाएगा माइनस का एक, ये माइनस का एक हमारा क्या आया है शेषफल। तो जब हमारा माइनस एक शेषफल आया है इस तो ये कहेंगे कि पी यक्स जी यक्स पी यक्स का गुणनखंड नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि जी यक्स पी यक्स का गुणनखंड नहीं है। तो दो प्रश्न को हम लोग ने आसानी से सॉल्व कर लिया, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरे प्रश्न लिखते हैं, तो गाइस तीसरा प्रश्न है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में यक्स माइनस वन पी यक्स का एक गुणनखंड हो। तो सबसे पहले इस जो ये दिया है लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये जो यक्स माइनस वन दिया है
इसका हम यक्स का मान निकालेंगे, जैसे पहले गुणनखंड प्रमेय लगा कर निकाले हैं लागू करके उसी तरह, और उसके बाद यहाँ पे जो ये बहुपद दिया है इसके बराबर में जीरो लिखेंगे और यक्स का मान जहाँ जहाँ यक्स रख देंगे तब के का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यक्स माइनस वन बराबर जीरो, यक्स का मान ज्ञात करने के लिए। तो ये इधर माइनस का है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा कितना आ गया, एक। ये हमारा यक्स का मान आ गया, यक्स का मान एक आ गया। तो अब लिख देंगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ एक है जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ एक लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का यक्स प्लस के बराबर जीरो, ठीक है। एक का स्क्वायर एक प्लस एक के बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा दो, यहाँ पे प्लस है, दो प्लस का के बराबर जीरो। तो के बराबर ये इधर प्लस का है दो, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ये हमारा के का मान आ गया, के का मान हमारा क्या आया है माइनस का दो। ये हमारा हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर इसमें पूछ रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान हमारा आ गया माइनस का दो। अब पहला हो गया, दूसरा देखते हैं दूसरा क्या दिया है। दूसरा को लिख लेंगे किताब में से, दूसरा यहाँ पर दिया है पी यक्स बराबर, ठीक है गाइस, पी यक्स बराबर टू यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस कड़ी में दो। तो इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे पी यक्स बराबर टू यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस का कर्णी में दो, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हमारा जो के का मान निकालना यक्स का मान जो निकाले हैं ये इसमें भी रखेंगे इस वाले में। तो यक्स माइनस वन यहाँ पे पहले प्रोसेस कर रहे हैं जीरो, यक्स ये इधर है बराबर किस तरफ जाएगा वन हो जाएगा। ये हमारा यक्स का मान आ गया, यक्स का मान हमारा आ गया है प्लस का वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस कर्णी में दो, कर्णी में दो बराबर जीरो, इस तरह लिखेंगे। अब उसके बाद इतना कर लेने के बाद हम लोग यक्स का मान जहाँ जहाँ यक्स दिया है वहाँ वहाँ एक रखेंगे, यानी यक्स का मान हमारा एक आया है तो एक ही न रखेंगे, कोई सौ थोड़ी न रखेंगे। तो यहाँ पे टू लिख देंगे, यक्स का मान वन है तो ब्रैकेट में वन स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे वन है तो ब्रैकेट में वन कर देंगे, प्लस कर्णी में दो है तो कर्णी में दो बराबर जीरो, ठीक है। अब उसके बाद दो यहाँ पे गुणे का साइन है और यहाँ पे एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा वन, ये वन है यहाँ पे के है तो हमारा ब्रैकेट टूटेगा तो एक से गुणा होगा के में, तो हमारा कितना हो जाएगा के, यानी एक ही के होगा, प्लस कर्णी में दो बराबर जीरो, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है, दोनों प्लस का है, ब्रैकेट टूटेगा गुणा होगा तो दो प्लस के, ठीक है गाइस, ध्यान से देखिएगा दो प्लस के दिखाई दे रहा है आप सबको, प्लस का कर्णी में दो बराबर इधर है। तो अब देखिए, अब प्रोसेस करेंगे बराबर के इस तरफ ले जाने का, बराबर के जीरो जिधर है उधर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का दो है और प्लस का कर्णी में दो है तो के बराबर लिखेंगे माइनस का, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का दो, ये प्लस का कर्णी में दो है इधर ले जाएंगे, माइनस का कर्णी में कितना हो जाएगा दो। तो उत्तर माला में आपका दिया होगा, आप देख सकते हैं, मैं उत्तर माला देखकर नहीं बता रहा हूँ, अपने टेक्निकल दिमाग से बता रहा हूँ। यहाँ पे के बराबर, यहाँ पे कॉमन ले लेगा क्या माइनस, जब माइनस कॉमन लेगा तो टू यहाँ पे माइनस है, प्लस का कर्णी में दो, ये हमारा इसमें के का मान आ जाएगा, ये हमारा के का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये के का आंसर हो गया। अब तीसरे प्रश्न को हम लोगों ने लगा लिया है, चौथे प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या दिया है। तो चलिए चौथे प्रश्न को करते हैं।
तो दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करना है हमको, गुणनखंड के बारे में ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने क्लास 6-7 में ही गुणनखंड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। आप लोग इस समय तो क्लास 9 में है, तो चलिए फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे 12 दिया है, ये एक्स स्क्वायर को अपने दिमाग से हटा लेंगे, यानी अपने दिमाग में सोचेंगे कि दिया ही नहीं है, ये एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है। तो 12 और यहाँ पे जो लास्ट में संख्या रहता है इसका ना इसमें गुणा कर देते हैं। तो जब इसमें गुणा होगा तो हमारा 12 1 12 यानी 12 1 12 होगा। तो जब जितना इन दोनों को गुणा करने में आता है, इसको बीच वाले को तोड़ेंगे तो हमको गुणा करने में, तोड़ने के बाद ऐसे दो संख्या में बीच वाले को तोड़ी जाती है कि गुणा करने पर उस दोनों को गुणा करने पर ये जो दिया है, इन दोनों को गुणा करने पर आया है ना आंसर, उतना आना चाहिए। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 12x² लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये x है तो x लिखेंगे, प्लस 1। उसके बाद 7 को दो भागों में तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 3, ठीक है। 4 3 12 इसका गुणा किए थे तो 12 आया था, तो 4 3 12 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12x² लिखेंगे, ये माइनस का 4x, इस x का गुणा हो रहा है इसमें, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इस x का इसमें होगा तो माइनस का 3x प्लस का 1, ओके। अब इसमें कामन लेंगे, इन दोनों पार्ट में कामन लेंगे, तो कामन हमारा मिल रहा है 4x, तो 4x कामन लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कामन, इन दोनों में कामन मिल रहा है माइनस का 1, तो 3x यहाँ पे प्लस है, माइनस का 1 से कामन लिए हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस 1 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1, ये हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, चौथा का पहला लगा लिए, ये हमारा आंसर हो गया है। अब चौथा का दूसरा देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे चौथा का दूसरा लिख लिए हैं, तो चौथा का दूसरा है 2x² प्लस 7x प्लस 6, इसको भी हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 और 3 का तो 6 हो जाएगा, तो अपने दिमाग में करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2x² लिखेंगे, 2x², उसके बाद यहाँ पे प्लस है साइन तो प्लस का लगा देंगे, ब्रैकेट लिख देंगे x प्लस 3। अब इसको 6 को ऐसे दो भागों, सॉरी 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि हमारा गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 6 + 1 लिख देंगे, 6 + 1 लिख देंगे, तो जोड़ दे रहे हैं 6 1 7 हो जा रहा है, और 6 1 6 हो जा रहा है, तो 2x² प्लस 6x प्लस का x प्लस क्या है यहाँ पे बचेगा, 3, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में कामन लेंगे, इन दोनों में हम लोग को कामन मिल रहा है क्या, 2x, ठीक है। यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे 2x जब कामन लिए तो हमारा क्या बचेगा, 3, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हम लोग कामन लेंगे 1, तो प्लस का 1 कामन लेंगे तो x प्लस 3 होगा, और x प्लस 3 दोनों मिल रहा है तो x + 3 एक ब्रैकेट में कर देंगे, एक ब्रैकेट में 2x + 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो चौथा प्रश्न का हम लोग ने चौथे प्रश्न में दो क्वेश्चन को हम लोग ने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। अब तीसरे पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रश्न पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी गुणनखंड ज्ञात करना है, ये थोड़ा सा उससे हटकर है, तो ये जो विस्तार से तोड़ ओड़ दिया है इसमें हम लोग को कामन लेना है, ठीक है, इसमें हम लोग को कामन लेना है। तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट में कामन लेते हैं, इन दोनों पार्ट में हमको क्या कामन मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है x² कामन, ठीक है गाइस, x² हमारा क्या मिल रहा है इसमें कामन, तो x² कामन ले लेंगे, यहाँ पे x³ है
तो यहाँ पे x बच जाएगा माइनस का साइन माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा टू, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ पे टू बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग माइनस लेंगे कॉमन वन, तो यहाँ पे x है ये प्लस का है ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा टू। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू दोनों मिल रहे हैं, तो एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप कि एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर माइनस टू वन है, तो इसको ये जो है इसको दो भागों में बांट देंगे। जैसे हमारा यहाँ पर एक जोड़ देते हैं घटा देते हैं, ये प्लस बी कर देंगे और एक ए माइनस बी कर देंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस टू ये जैसे का वैसे रहेगा, उसके बाद इसको लिख देंगे एक्स प्लस का वन और एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स एक्स माइनस का वन, ठीक है गाइस। ये हमारा इसका आंसर हो गया प्रश्नावली 2.4 द एंड एंड, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर आल पर प्रेस करें, और वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।